आज की कहानी उस डायन की है जिसे सुन के आप आज बेहद घबरा जाएंगे। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी वो दूर गहरे जंगल में रहा करती थी, एक छोटे मगर डरावने झोपड़ी में। सिर्फ उसकी रहने की जगह डरावनी नहीं थी, उसके पास अजीब तरह के डरावने औजार भी होते थे। पास के शहर में रहने वाले लोग उसे ब्लडी मैरी कहते थे और वो सब मानते थे कि ब्लडी मैरी एक डायन है। इसी डर से शहर का कोई भी इंसान उस जंगल के आस पास भी नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे उस डायन ने पैर फैलाना शुरू किया। देखते ही देखते शहर से सुंदर बच्चियां गायब होने लगी। कोई भी उन्हें ढूंढने में सफल ना हो पाया। जिन परिवार की बच्चियां गायब हुई थी उन्होंने जमीन आसमान एक करके बच्चियों को पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला। तो आखिर में लोगों ने हिम्मत करके ब्लडी मैरी के उस डरावने घर में तलाशी लेने की सोची। तो तलाशी लेते हुए उन्होंने जो देखा उसके बाद डर क्या होता है वो सब लोग भूल गए। पूरे घर में इंसानी मांस के टुकड़े और हड्डियां पड़ी थी। ब्लडी मैरी का पूरा शरीर लहूलुहान था। असल में ब्लडी मैरी को ऐसा लगता था कि सुंदर बच्चियों की बलि देने से वो और सुंदर और जवान हो जाएगी। इसी लालच में उसने न जाने ही कितने बच्चियों को मौत के नींद सुला दिया। गुस्साए लोगों ने ब्लडी मैरी को भी शहर में आग के हवाले कर दिया ताकि वो कभी भी सुंदर ना हो सके। जलते हुए ब्लडी मैरी ने इस पूरे दुनिया को एक श्राप दिया कि अगर कोई भी सुंदर इंसान उसका नाम रात में शीशे के सामने 3 बार लेगा तो वो उसकी सुंदरता ले लेगी, उसको जान से मारकर। हर देश में ब्लडी मैरी की अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानी उनमें से ही एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। आनंद ने डरते हुए फोन उठाया तो दोबारा से वही आवाज आई, मुक्ति दो राजा।